वेलकम अगेन माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, माय सेल्फ महेंद्र देवंदा। हम पढ़ रहे हैं फाइलम कोडेटा, जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं क्लास एविस के बारे में। क्लास एविस जो कि चिड़िया का क्लास है, इसके अंतर्गत हम इससे पूर्व वीडियो में हमने पक्षियों के जो बर्ड्स हैं उनके सामान्य करैक्टर्स जान चुके हैं। इस वीडियो में बात करेंगे वो बर्ड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, यानी जो चिड़िया का जो वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि कई प्रकार की जो चिड़िया हैं वो किस तरह की हमें दिखाई देती है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन को देख रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एविज, या हम बात सबसे पहले जो क्लास एविज है उसको हमने डिवाइड किया है दो सब क्लासेस में। सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे, जिसमें फर्स्ट क्लास है आर्कियोर्निथिस। दूसरी जो सब क्लास है वो है नियोर्निथिस। ये दोनों जो सब क्लास है इसको आगे और डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम आर्कियोर्निथिस को देखते हैं। आर्कियोर्निथिस के जितने भी सदस्य हैं वो विलुप्त हो चुके हैं। इस शब्द से हमें समझ में आ रहा है आर्कियो, क्योंकि इसके अंतर्गत आर्कियोप्टेरिक शामिल है, तो आपको याद करने में थोड़ा इसलिए शब्द से भी इजी रहता है, तो आप इस तरीके से याद रखेंगे इसको। इसके अंतर्गत एक ऑर्डर सम्मिलित किया गया है, जो ऑर्डर है वो है आर्कियोप्टेरी जी फॉर्मिस। आप इसको टुकड़ों में पढ़ेंगे तो आराम से आपको याद हो जाएगा, आर्कियोप्टेरी जी फॉर्मिस। दूसरी जो हमारे पास सब क्लास है नियोर्निथिस, इसको आगे डिवाइड किया गया है सुपर ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, जहां पर हमने इसको डिवाइड किया गया है चार सुपर ऑर्डर में, जिसके अंतर्गत कुछ में विलुप्त एनिमल्स यानी बर्ड्स शामिल हैं और कुछ में जो वर्तमान में एग्जिस्ट जितनी भी चिड़ियां हैं बर्ड्स हैं उनको शामिल किया गया है। सुपर ऑर्डर सबसे पहला है ओडोंटोग्नेथी। ये सुपर ऑर्डर के जितने भी सदस्य हैं उसके सदस्य विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट जो सुपर ऑर्डर है सेकंड पैलियोग्नेथी, जिसको हम रेटिटी भी कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट सुपर ऑर्डर है थर्ड सुपर ऑर्डर इम्पेनी। नेक्स्ट और लास्ट सुपर ऑर्डर है नियोग्नेथी, जिसको केरी नाटी भी कहते हैं। चारों जो सुपर ऑर्डर है उसको आगे और ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, जिसमें हम बात करेंगे पैलियोग्नेथी के अंतर्गत सेवन ऑर्डर, जो सात ऑर्डर हैं उनके बारे में, इम्पेनी के अंतर्गत शामिल एक ऑर्डर उसके बारे में, इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण ऑर्डर है नियोग्नेथी, जिसमें वर्तमान में जितने भी बर्ड्स हैं उनके सदस्य हैं उनके 18 ऑर्डर्स, 18 जिनके ऑर्डर हैं उनको हम पढ़ेंगे। हम डिटेल में नहीं जाकर कुछ फोटोग्राफ के माध्यम से इन ऑर्डर्स को समझने का हम प्रयास करेंगे। शुरू करते हैं इसमें और आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पहला जो सब क्लास है आर्कियोर्निथिस के बारे में। एक वर्ड आर्कियोस एन ऑर्निथोस से ओरिजिन हुआ है। आपने अगर ध्यान दिया है तो इनके शब्द के आसपास ऑर्निथिस आपने ध्यान दिया होगा। बर्ड्स में जितने भी ये ऑर्डर किए हुए हैं, सब क्लास किए हुए हैं, इनमें ऑर्निथिस ऑर्निथोस इस तरह के वर्ड आ रहे हैं, इस जिसका मतलब क्या होता है, बर्ड से संबंधित है, चिड़ियों से संबंधित है, इसलिए इसको कई प्रकार से नाम दिया गया है। आर्कियोर्निथिस में
एक ही ऑर्डर है जिसको हम ऑर्कियोप्टेरी जीफॉर्मिस कहते हैं, जिसमें सब क्लास ऑर्कियोनिथिस में कुछ करेक्टर्स देख लेते हैं हम लोग। इसको हम अलग से डिटेल से एक आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में वीडियो भी रिकॉर्ड करेंगे, उसमें हम डिटेल से और बात करेंगे। इसमें हम बेसिक चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। लिजर्ड लाइक बर्ड्स, छिपकलियों के समान ये पक्षी होते हैं, एक्सटिंक्ट विलुप्त हो चुके हैं, लेस डेवलप विंग, विंग इनमें विकसित नहीं होते हैं, बहुत ही कम डेवलप होते हैं क्योंकि ये छिपकलियों के समान एनिमल्स हैं। कनेक्टिव लिंक बिटवीन रेप्टिलियन एंड एवीस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम को आपको पूछा जा सकता है। आर्कियोप्टेरिक्स जो इसका एग्जाम्पल है उसको रेप्टिलियन और एवीज जो क्लासेज हैं उनके बीच की कनेक्टिव लिंक योजक कड़ी कहा जाता है, क्योंकि इनमें रेप्टिलियन के करेक्टर्स भी पाए जाते हैं और एवीज के करेक्टर्स भी पाए जाते हैं। पाइगो स्टाइल एंड कील एब्सेंट, जैसा कि हम पूर्व वीडियो में हमने पढ़ा था कि पाइगो स्टाइल और कील उन बर्ड्स में पाया जाता है जिनमें फ्लाइट होती है, जो उड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर पाइगोस्टाइल और की दोनों एब्सेंट होते हैं, यानी ये उड़ नहीं सकते थे, ऐसे पक्षी हैं ये पूरे। आर्कियोप्टेरिक्स विलुप्त हो चुके हैं, इसके कोई सदस्य वर्तमान में जीवित नहीं पाए जाते हैं, ये सिर्फ फॉसिल्स के रूप में मिलते हैं, जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं। टीथ प्रेजेंट ऑन बोथ जो, आर्कियोप्टेरिक्स में दोनों जबड़ों में दांत पाए जाते हैं, टीथ प्रेजेंट होते हैं। आर्कियोनिथिस को जो सब क्लास है उसको एक ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, आर्कियोप्टेरिस जीफॉर्मिस, जिसके अंतर्गत फेमस एग्जांपल आर्कियोप्टेरिस है। इसके अलावा आर्कियोर्नीज भी है जो दूसरा सेकेंड एग्जांपल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब क्लास नियोरनिथिस के बारे में। नियोरनिथिस जो सेकेंड सब क्लास है वो शब्द का मतलब समझते हैं। ये नियोरनिथिस दो शब्दों से ओरिजिन हुआ है, नियोस एंड ऑर्निथोस। ऑर्निथोस के बारे में हम पहचान चुके हैं, जान चुके हैं कि इसका मतलब बर्ड्स होता है, और नियोस का मतलब मॉडर्न आधुनिक बर्ड्स जिसमें शामिल हैं उसको नियोरनिथिस में शामिल किया गया है, उसी के आधार पर इसको नाम दिया गया है। एवीज को हम ये जान चुके हैं दो सब क्लास में डिवाइड किया गया है, एक सब क्लास है आर्कियोनिथिस और सेकंड है नियोनिथिस। नियोनिथिस को हमने फोर सुपर ऑर्डर में डिवाइड किया, ओडोंटोग्नेथी, पेलियोग्नेथी या रेटिडी, इम्पेनी एंड नियोग्नेथी। इनमें से सुपर ऑर्डर पेलियोग्नेथी और सुपर ऑर्डर इम्पेनी, ये दोनों ग्रुप में जितने भी बर्ड्स हैं, इन ऑर्डर में सुपर ऑर्डर में जितने भी बर्ड्स हैं वो सब फ्लाइट लेस बर्ड हैं, यानी उनमें उड़ने की क्षमता नहीं पाई जाती है। समझते हैं सबसे पहले सुपर ऑर्डर ओडोंटोग्नेथी को। सुपर ऑर्डर फर्स्ट ओडोंटोग्नेथी जो कि सब क्लास नियोरनिथिस के अंतर्गत शामिल किया गया है। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। ओडोंटोस का मतलब होता है टीथ, यानी इनमें भी जो बीक पाई जा रही है उसमें छोटे छोटे टीथ पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं। एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं जो बीयस टीथ जो में दांत पाए जाते हैं। ऑर्डर है हेस्पेरोर निथिफॉर्मिस, जिसके अंतर्गत एग्जाम्पल है हेस्पेरोर्निस। ऑर्डर सेकेंड है इक्थायोर्निथिफॉर्मिस, जिसके अंतर्गत एग्जाम्पल है इक्थायोर्निस। ये दोनों एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे, ये दोनों ही ऑर्डर के जितने भी सदस्य हैं वो विलुप्त हो चुके हैं। ये इस तरह के आदिम पक्षी पहले पाए जाते थे। नेक्स्ट अब बात करते हैं
सुपर ऑर्डर, सेकंड पैलियोग्नेथी के बारे में, जो कि सब क्लास नियोर्निथीस के अंतर्गत शामिल है। इसमें इसको रेटिडी भी कहते हैं, रेटिटी। इसके अंतर्गत लार्ज बर्ड्स आते हैं, बड़े बड़े जो बर्ड्स हैं वो आते हैं, फ्लाइट लेस होते हैं, उड़ने में असक्षम होते हैं, उड़ नहीं सकते। फास्ट रनर, तेज़ दौड़ने वाले होते हैं, इनके तेज़ दौड़ने से आशा है यहाँ पर, क्योंकि इनके पैर मजबूत होंगे। विंग रिड्यूस, इनके जो पंख होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, कम विकसित होते हैं, इसी वजह से तो ये फ्लाइट लेस होते हैं। वेस्टिजियल होते हैं ये, सिरिंग एब्सेंट होता है, ये इनमें इन पक्षियों के द्वारा आवाज़ नहीं की जा सकती, आवाज़ नहीं कर सकते। नॉट फाउंड इन इंडिया, भारत में ये नहीं पाए जाते हैं। इसमें हम बात करेंगे सेवन ऑर्डर के बारे में, जिसमें पहला ऑर्डर है स्ट्रूथियोनिफॉर्मिस, स्ट्रूथियोनिफॉर्मिस, जिसके अंतर्गत ऑस्ट्रिच शामिल किए गए हैं, शुतुरमुर्ग जो होते हैं उनको शामिल किया जाता है। जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इनके पास में लेग जो टांगे होती है वो बहुत स्ट्रोंग होती है, वेल डेवलप होती है, ये फ्लाइट लेस होते हैं, उड़ने में असक्षम होते हैं, टेरिस्ट्रियल बर्ड होते हैं, पाइगो स्टाइल एब्सेंट होती है। पाइगो स्टाइल और कील के बारे में हम जान चुके हैं, दोनों ही बर्ड्स में अनुपस्थित होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एग्जांपल्स के बारे में। इसमें जो एग्जांपल है वो ट्रू ऑस्ट्रिच आते हैं, जिसमें उस्ट्रुथियो कैमेलस इसका एग्जांपल है, जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। नेक्स्ट है सेकंड ऑर्डर रिफॉर्मिस। रिफॉर्मिस में हेड एंड नेक पार्शियली फीदर्स, जो आपको हेड भाग और नेक का जो रीजन दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत ही कम फीदर्स पाए जाते हैं, ये पार्शियली फीदर्स युक्त होते हैं। स्टर्नम, लेग्स एंड कील्स, स्टर्नम और कील्स इसमें एब्सेंट होते हैं। एग्जांपल, ये भी ऑस्ट्रिच होते हैं, इनको अमेरिकन ऑस्ट्रिच कहा जाता है, अमेरिकन ऑस्ट्रिच, इसी को कॉमन रिया कहते हैं, एक इसका वैज्ञानिक नाम है रिया अमेरिकाना। ये है ऑर्डर सेकंड की बात। ऑर्डर है थर्ड कैसुआरी फॉर्मिस। कैसुआरी फॉर्मिस, फोर लिम्स रिड्यूस, फोर लिम रिड्यूस हो जाते हैं, हेड बियर एक कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स, आपको हेड के पास में एक कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, वो इसमें पाई जाती है। एग्जांपल्स, कैसोवेरीज, जो कि कैसुएरिस ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, एमू, जो कि न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर है एप्टेरिजीफॉर्मिस। एप्टेरिजीफॉर्मिस, फीदर इसमें बहुत ही सरल प्रकार के फीदर्स पाए जाते हैं, हेयर लाइक होते हैं, जो फीदर्स पाए जाते हैं वो बालों के समान होते हैं। विंग वेस्टिजियल होते हैं, यानी विंग कम विकसित होते हैं या कम पाए जा रहे हैं। एग्जांपल्स, कीवीज, इसको एप्टेरिक्स कहते हैं। कीवीज जो है वो ये न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला बर्ड है। नेक्स्ट ऑर्डर है डाइनॉर्निथीफॉर्मिस। डाइनॉर्निथीफॉर्मिस, ये एक्सटिंक्ट विलुप्त पक्षी हैं, बहुत बड़े पक्षी थे ये, जाइंट बर्ड्स जिनको कहा जाता था। एग्जांपल है इसमें मोआस। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्डर एपायोर्निथीफॉर्मिस। एपायोर्निथीफॉर्मिस, इनको कहते हैं जाइंट एलिफेंट बर्ड्स, जो कि अफ्रीका एंड मेडागास्कर में पाए जाते थे। यहाँ पर आपको इतने बर्ड्स, आपको जो इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, इस तरह के ये बर्ड्स पाए जाते थे। ये विलुप्त पक्षी हैं, वर्तमान में इसके कोई सदस्य जीवित नहीं हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्डर सेवन में टिनामीफॉर्मिस। टिनामीफॉर्मिस जो हैं गुड रनर होते हैं,
जो अच्छे दौड़ते हैं उनको कर्सोरियल एनिमल कहते हैं। स्टर्नम इज कील, स्टर्नम जो होता है वो उसमें कील पाया जाता है। पाइगो स्टाइल इसमें रिड्यूस होता है। एग्जाम्पल है टीनामस। नेक्स्ट समझते हैं अब हम सुपर ऑर्डर इम्पेनी के बारे में। सुपर ऑर्डर इम्पेनी वन, इसके अंतर्गत एक ऑर्डर शामिल है स्पेनिश सी फॉर्मिस। मॉडर्न एक्वेटिक बर्ड शामिल हैं फ्लाइटलेस बर्ड विथ पैडल लाइक विंग्स और फ्लिपर्स। इसमें जो विंग्स होते हैं वो फ्लिपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो आपको आगे वाले जो हैं ये फ्लिपर्स की तरह काम करते हैं ताकि ये पानी में तैर सकें। फिट वेब होते हैं, यानी इनके जो पिछले जो पैर होते हैं उनमें अंगुलियों के बीच में जाल बन जाता है जिससे इसको तैरने में मदद मिलती है। फीदर्स छोटे छोटे होते हैं। एग्जाम्पल इसमें फेमस एग्जाम्पल है पेंगुइन, जो कि साउदर्न हेमिस्फेयर में पाया जाता है, यानी जो दक्षिण गोलार्ध है उसमें पाए जाता है। नेक्स्ट ऑर्डर है नियोगनेथी, जिसको कैरी नाटी भी कहते हैं, और इसके अंतर्गत मॉडर्न बर्ड शामिल होते हैं जो कि छोटी साइज के होते हैं और फ्लाइंग वाले बर्ड्स होते हैं, यानी उनमें उड़ने के पूरी तरह से जितने भी लक्षण हैं वो पाए जाते हैं। विंग्स पूरी तरह से डेवलप होते हैं, कील पाया जाता है, पाइगो स्टाइल पूरी तरह से विकसित होता है। इसके अंतर्गत सिक्स होमोजीनस इकोलॉजिकल ग्रुप, हमने क्या किया इसको सरल प्रकार से पढ़ने के लिए हमने इसको कुछ इकोलॉजिकल ग्रुप्स में बांट दिया गया है, यानी जो किस तरह के आवास में वो पाया जाता है उसके आधार पर हमने हो ग्रुप में बांटा गया है। इसके अंतर्गत बहुत सारे ऑर्डर हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले ग्रुप के इकोलॉजी के अकॉर्डिंग ग्रुप ए आर्बोरियल बर्ड्स होते हैं, यानी जो आर्बोरियल हैबिटेट शो करते हैं, जिसके अंतर्गत ऑर्डर शामिल हैं पेसेरी फॉर्मिस। नेक्स्ट है पीसी फॉर्मिस। नेक्स्ट है कोलंबी फॉर्मिस। नेक्स्ट है सिटासी फॉर्मिस। एक एक को समझते हैं। सबसे पहले ऑर्डर फर्स्ट में पेसेरी फॉर्मिस, इसमें जो स्पैरोफॉर्म स्ट्रक्चर आती है, यानी जो चिड़ियां होती है उस तरह का शरीर जिनका होता है उसको पेसेरी फॉर्मिस में शामिल कर दिया जाता है। लार्जेस्ट ऑर्डर है ये, इंक्लूडिंग हाफ नॉन स्पीसीज आउट ऑफ द टोटल, जितनी भी बर्ड्स की जो स्पीसीज है उसमें सबसे ज़्यादा जो बर्ड्स की स्पीसीज पाई जाती है वो पेसेरी फॉर्मिस में पाई जाती है। इसके कुछ एग्जाम्पल हम जान लेते हैं। कॉमन हाउस स्पैरो, जो घरेलू जो चिड़िया होती है जिसको पेसर डोमेस्टिकस कहते हैं, वो इसके अंतर्गत शामिल हैं। कॉमन हाउस क्रो क्रोवस स्प्लेंडस, स्प्लेंडस जो कौवा होता है उसका ये वैज्ञानिक नाम है। इंडियन जंगल क्रो क्रोवस मैक्रो राइंकोस। नेक्स्ट है कॉमन मैना, जो सामान्य मैना होती है वो इसके अंतर्गत शामिल है। इंडियन रोबिन टेलर बर्ड लार्क मैगपाई स्टारलिंग स्वेलोज फ्लाई कैचर्स वीवर बर्ड्स ब्लैक ड्रोंगो, इनमें कई प्रकार की जो स्पीसीज पाई जाती है वो पेसेरी फॉर्मिस के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। कुछ हम फोटोग्राफ देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ हमें फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है कॉमन मैना। नेक्स्ट है ये है ब्राह्मणी स्टारलिंग, ये है इंडियन रोबिन, जो आपके घरों के आसपास आपको देखने को मिल जाती है। ये है श्वेलो और ये है मैगपाई, मैगपाई ट्री मैगपाई कहते हैं, जिसकी बहुत लंबी पूंछ होती है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्डर सेकंड में पिसी फॉर्मिस के बारे में। पिसी फॉर्मिस में वुड पैकर जो फॉर्म होती है उनको शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत वुड पैकर शामिल होते हैं जो कटफोड़वे होते हैं, यानी जो जो वुडन होती है उसको
टिक टिक करके मारते रहते हैं, होल करने का काम करते हैं, जो आप अपने आसपास भी आपने देखे होंगे। उसके कुछ एग्जांपल जैसे कि येलो फ्रंटेड पाइड वुडपेकर, जैसा कि यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाया गया है, गोल्डन बैक वुडपेकर, जैसा कि ये सेकेंड एग्जांपल आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं, कोलंबी फॉर्मिस, जिसमें डव फॉर्म, यानी जो डव होती है उसके आकार की जो स्ट्रक्चर होती है उसको कोलंबी फॉर्मिस में शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत जितने भी डव्स हैं अलग अलग प्रकार की और पीजन्स होते हैं अलग अलग प्रकार के, उन सभी को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, जैसे कि ब्लू रॉक पीजन या कोलंबा लिविया, स्पॉटेड डव, रेड कॉलर डव, इस तरह कई प्रकार की स्पीशीज इनमें पाई जाती है। आपने हरे कबूतर देखे होंगे, उन्हीं को भी इन्हीं के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिटासी फॉर्मिस, जो कि पैरट फॉर्म में पाए जाते हैं, पैरट और पैराकिट्स और मकास इनके अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके अलावा कुछ लविंग बर्ड्स होते हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। ये है लविंग बर्ड्स, जो कि आपको मार्केट में कई प्रकार के पिंजरों में देखने को मिल जाएंगे। पैरट और पैराकिट्स दोनों अलग अलग प्रकार के होते हैं, आप ये ध्यान रखेंगे। आपने आसपास पैराकिट्स देखते हैं जिसमें रोज रिंग पैराकिट शामिल हैं, प्लम हेडेड पैराकिट शामिल हैं, लेकिन पैरट अलग प्रकार के जिसमें पूंछ छोटी पाई जाती है उस तरह के होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैलीफॉर्मिस। इकोलॉजी की दृष्टि के हिसाब से ये सेकेंड ग्रुप टेरिस्ट्रियल बर्ड का है। ऑर्डर 5 जिसमें गैलीफॉर्मिस है, उसमें जंगली मुर्गे, रेड जंगल फॉल, पी फॉल, क्विल एंड फीजेंट शामिल हैं। जैसे कि यहाँ हमारे यहाँ एक पिक्चर में दिखाया गया है पिको को, जो कि जिसका वैज्ञानिक नाम है पेवो क्रिस्टाटस, जिसको भारतीय पक्षी भी कहते हैं, इंडियन बर्ड भी कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुकुली फॉर्मिस, जिसमें कोयल कुकोज जो शामिल किए जाते हैं इसी ऑर्डर के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। यहाँ जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, ये है इंडियन कोयल, एशियन इंडियन कोयल। नेक्स्ट ऑर्डर है एंसेरी फॉर्मिस। एंसेरी फॉर्मिस इसको हम इकोलॉजी की दृष्टि के हिसाब से अलग ग्रुप में रखा गया है, जिसमें स्विमिंग एंड डाइविंग बर्ड शामिल हैं, यानी जो पानी के अंतर्गत रहते हैं उनको इसमें शामिल कर दिया गया है। एक्वेटिक बर्ड्स इसके अंतर्गत, एक्वेटिक बर्ड जिसमें गीज, स्वान और डक्स शामिल हैं। कुछ एग्जांपल हमारे पास में है कॉमन टील, बार हेडेड गूज एंड स्वान। कॉमन टील जो कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये बार हेडेड गूज जो कि माइग्रेटरी बर्ड है, ये एक प्रवासी पक्षी है, ये इस तरह, और ये स्वान है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरासी फॉर्मिस, जिसके अंतर्गत किंगफिशर टाइप के बर्ड शामिल किए गए हैं, जिसमें एग्जांपल है वाइट थ्रोटेड किंगफिशर, जो आप घरों के आसपास आप देख सकते हैं। इसका जो नेक रीजन होता है, थोरेक्स जो रीजन होता है वो वाइट कलर होता है, इस तरह से इनको नाम दिया गया है, पाइड किंगफिशर, ग्रेट हॉर्नबिल, ग्रे हॉर्नबिल। ग्रे हॉर्नबिल यहाँ पर जो दिखाया गया है वो राजस्थान में भी पाया जाता है। हुप्पी जो कि आप अपने आसपास इस तरह की चिड़िया को देख सकते हैं। यहाँ कई प्रकार की फोटोग्राफ रखने का आशय यहाँ पर इसलिए दिया गया है ताकि हम इन पक्षियों के बारे में आसपास जो पाए जाते हैं उनको जान सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर 9 में गैवीफॉर्मिस, जिसके अंतर्गत
मैराइन बर्ड शामिल रहते हैं। एग्जाम्पल कॉमन लून्स जिसको गेविया कहते हैं, ये समुद्र में पाए जाने वाला बर्ड्स है, अपने आसपास नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जो मैराइन हैबिटेट में जब कोई आप विजिट करने जाओ तब आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑर्डर 10 में कोलिम्बी फॉर्मिस, इसके अंतर्गत डाइविंग बर्ड शामिल होते हैं। एग्जाम्पल ग्रेब्स जो होते हैं वो इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर है प्रोसेलारीफॉर्मिस, प्रोसेलारीफॉर्मिस ट्यूब नोज, इनका जो नोज होता है ट्यूब के समान होता है। लॉन्ग एंड ऑयली विंग सी बर्ड्स, इसके अंतर्गत समुद्र में पाए जाने वाले बर्ड शामिल होते हैं। इनके जो पंख होते हैं बहुत ही बड़े बड़े पंख पाए जाते हैं। एग्जाम्पल एल्बेट्रोसेस, एल्बेट्रोसेस ऐसा बर्ड है जिसके सबसे लंबे विंग्स होते हैं, पंख होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर 12 में पेलिकेनी फॉर्मिस, जिसमें इस शामिल हैं पेलिकन्स, डार्टर्स एंड कॉर्मोरेंट। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर लिटिल कॉर्मोरेंट्स जो कि कौवे के समान आप बर्ड्स है, ये बर्ड्स आपको नदी के पास, किसी झील के पास या किसी आप लोकल जो डैम होता है वहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं। इंडियन डार्टर एंड पेलिकन्स, पेलिकन्स यहाँ पर इस तरह का जो आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं चाराड्री फॉर्मिस जो कि इकोलॉजी दृष्टि के अकॉर्डिंग इसको शोर बर्ड यानी जो किनारों पर जो रहते हैं या वेडिंग बर्ड्स या जो दलदल वाले स्थान पर जो पाए जाते हैं उसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। लॉन्ग वेडिंग लेग्स, इसमें जो टांगें होती हैं वो लंबी होती है। वेब्ड टॉयज पाए जाते हैं एंड मड प्रोबिंग बीक्स पाई जाती है, इनमें जो बीक होती है, चोंच होती है वो लंबी होती है और इन्हीं बीक की मदद से ये जो कीचड़ होता है उससे कीट निकालने का काम करती है। अपने आसपास आपने टिटहरी जो देखा होगा वो इसी के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जिसमें शामिल है रेड बटल लैपिंग, सेंड पाइपर्स, स्नाइप्स, गर्ल्स एंड करल्यू, इस तरह के बर्ड्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं हम सिकोनी फॉर्मिस में लॉन्ग लेग्ड बर्ड्स होते हैं, बड़े टांगों वाले बर्ड्स होते हैं, मार्स मेडिंग होते हैं यानी ये दलदली स्थान पर पाए जाते हैं। लॉन्ग स्नेक लाइक नेक होती है, इनकी जो गर्दन होती है वो लंबी होती है और सांप के समान होती है। एग्जाम्पल कैटल एग्रेट, यहाँ पर आपको जो दिखाया गया है ये कैटल एग्रेट है। कैटल मवेशी के आसपास पाए जाने के कारण, जीव जो पालतू पशु हैं उनके आसपास पाए जाने के कारण इसको ये नाम दिया गया है। हेरोन्स, स्पूनबिल, स्ट्रोक, फ्लेमिंगो, ये फ्लेमिंगो जो कि माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, स्ट्रोक ये भी आपने आसपास देखा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर 15 में ग्रुई फॉर्मिस, इसमें जो बर्ड्स होते हैं वो क्रेन लाइक वेडिंग बर्ड्स हैं विथ लॉन्ग लेग्स एंड पार्शली वेब्ड फिट, और इसमें पार्शली जो वेब होते जो फिट होते हैं उनमें वेब पाए जाते हैं। एग्जाम्पल कूट और सारस क्रेन इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट ऑर्डर की बात है फाल्कोनी फॉर्मिस जो कि इकोलॉजी दृष्टि के अकॉर्डिंग इसको प्रेइंग बर्ड्स कहते हैं यानी जो शिकार करके खाने वाले होते हैं वो शामिल किए जाते हैं। ये डायुरनल होते हैं, प्रेइंग बर्ड होते हैं, शार्प हुक्ड बीक पाई जाती है, इसमें जो चोंच होती है वो नुकीली होती है, आगे से नुकीली होती है।
एंड स्ट्रोंग कर्व क्लॉज, उसमें जो पैरों में जो क्लॉज पाए जाते हैं वो काफ़ी नुकीले होते हैं। एग्जाम्पल ब्राह्मणी काइट, स्पैरो हॉक, वाइट बैक वल्चर्स, ईगल्स, ये सभी इसमें शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्डर 17 में स्ट्रिंगी फॉर्मिस, इसके अंतर्गत ओवल्स शामिल होते हैं जो कि नॉक्टुरल बर्ड्स होते हैं। ब्राउन फिश ऑयल जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है एंड ग्रेट हॉर्न ओवल जो कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रोपोडीफॉर्मिस, ये एरियल बर्ड होते हैं, वायवीय बर्ड्स होते हैं जिसके अंतर्गत स्विफ्ट्स एंड हमिंग बर्ड्स शामिल होते हैं। इंडियन स्विफ्ट, पाम स्विफ्ट कुछ बर्ड्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर 18 में कैम्प्री मुलजीफॉर्मिस, शाही कलर के होते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं और इंसेक्टिवोरस यानी जो कीड़ों को खाने का काम करते हैं। एग्जाम्पल नाइट होक एंड गॉड सकर कुछ बर्ड्स हैं जो इसमें पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं बर्ड्स का सिग्निफिकेंस। बर्ड्स जो चिड़िया होती है वो हर प्रकार से इकोलॉजी को बनाए रखने में मदद करती है। सीड डिस्पर्सन यानी जो बीज होते हैं उनको प्रकीर्णित करने में, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करते हैं। जैसा कि किसी जंगल में एक फल का पेड़ होता है, उस जंगल के उस पौधे के ऊपर कई सारी चिड़ियाँ जब उस फल को खाती हैं तो कहीं दूर जाके उस फल के सीड को अपनी एक्सक्रीटा के थ्रू बाहर करती है और वहाँ दूर कहीं वो प्लांट वापस प्रोपागेट होता है। ऐसे बहुत सारे जब बर्ड्स इस तरह की प्रक्रिया करते हैं तो फॉरेस्ट का डेवलपमेंट होता है। तो फॉरेस्ट को बनाए रखने में बर्ड्स का महत्व है। इसके अलावा पोलिनेशन, कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो पोलिनेशन करते हैं। पेस्ट कंट्रोल, कुछ ऐसे एनिमल हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको खाकर, उन कीड़ों को खाकर ये कंट्रोल करने का काम करते हैं, पेस्ट कंट्रोलिंग को बनाए रखने में मदद करते हैं। रोडेंट प्रिडेशन, रोडेंट्स होते हैं, चूहे होते हैं, उनको भी खाकर ये फसल को बर्बाद होने से रोकने का काम करते हैं। स्क्विंजर्स होते हैं, कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो मरे हुए पक्षियों को, जानवरों को कहीं खाने का काम करते हैं। सो ये वहाँ सफाई का भी काम करते हैं और सैनिटरी सर्विसेज की तरह अपना रोल प्ले करते हैं। न्यूट्रिशन साइकिल, जो पोषण चक्र होता है वहाँ पर भी वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फूड चेन एंड फूड वेब में इनका महत्वपूर्ण रोल होता है। ये थे बर्ड्स के इम्पोर्टेंस यानी बर्ड्स का जो सिग्निफिकेंस होता है उसके बारे में। इसमें आपको इसलिए इतनी सारी फोटोग्राफ इसलिए दिखाई गई है ताकि आप बर्ड्स के साथ में फेमिलियर हो सकें, आप उनको ध्यान में रख सकें। सभी को धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल।